देखो ये है इनका स्विमिंग पूल वाला एरिया। इधर इधर से रहने के भी घर बना कर रखे हैं अपन। अभी रिजॉर्ट में आऊँगा मैं अंदर में रहने के लिए, चिल आउट करने के लिए उधर भी आएंगे और ये वाला पीछे वाला स्विमिंग पूल यूज करेंगे। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज आपके भाई का बर्थडे है तो आप लोग हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी आज मैं सोचा नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, पर आप लोग के लिए चलो इसका भी ब्लॉग बना दिया जाएगा। बाकी मैं बैठा हूँ यहाँ बस स्टॉप पर, बस का वेट नहीं कर रहा हूँ, बारिश हो रहा है इसीलिए बैठा हूँ। ये अपनी गाड़ी इधर लगी हुई है, ये देखो आप, शायद इससे आपको मोटर ब्लॉगिंग भी दिखेगी। तो कुछ नया आने वाला है कंटेंट अपने चैनल पे, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी कर डालो यार, और वो जो घंटा दिखेगा बाजू में उसको दबा दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ। फिर आज के ब्लॉग में कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करने, तो मैं आपको वो दिखाऊँगा। और सो गाइज, फाइनली आ गए हैं रेस्टो में और यहाँ का थीम पूरा मतलब एक आपको गांव का फील है, गांव के ये देखो बुद्धिज्म का यहाँ पे वो भी लगा हुआ है और पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ये भी बैठने का ही जगह है, यहाँ भी बैठ सकते हो। हाँ ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा आपको, मुसाफिर कैफे, ठीक है। बाकी ये है एंट्री पॉइंट, यहाँ से आप अंदर आओगे डायरेक्ट और ये सब आपको दिखेगा। यहाँ भी देखो कपल के लिए दो बैठ सकते हैं, इधर काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ कुछ कोर्स वगैरह लिखे हुए हैं देखो आपको। सो गाइस, इस रेस्टो की खासियत देखो, इधर देखो पूरा जंगल वाली फीलिंग आएगी एकदम मस्त, आपको लगेगा कि नेचर के गोद में आ गए। ये देखो इधर देख रहा है आपको, रियल है वो, आपको दिखाऊँ मैं तो। बाकी ये सब तो वो डुप्लीकेट है और रेस्टो का थीम कुछ ऐसा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा रेस्टो है। इधर स्विमिंग पूल वाले भी सेटअप हैं, दिख रहा होगा आपको। बाकी इधर देखो रियल साले रियल ग्रास वगैरह लगा हुआ है, देख सकते हो आप। इसीलिए मैंने ये वाला रेस्टो चूज़ किया क्योंकि इधर पूरा नेचुरल है सब कुछ, खाने पीने का जो जो कुछ भी है वो भी नेचुरल है। बाकी ये पूल देखो यार कैसा बनाया है, कितना खूबसूरत, ये तो खुद में ही इतना खूबसूरत है, खाने से अच्छा यहाँ फोटो वगैरह अच्छे हैं। वाह ये देखो दिख रहा है आपको, लेकिन वो रियल नहीं, ये बना के लगाया गया ऐसा। बाकी बहुत खूबसूरत है गाइस, इसीलिए मैंने यहाँ पे आया हूँ कि बर्थडे से ज़्यादा अपना नेचुरल एकदम शांति है, सुकून एकदम शांति। इधर कॉटेज वगैरह है रहने का, स्टे करने का भी है, इधर आप स्टे वगैरह कर सकते हो। बाकी रेस्टो तो उस साइड में है और इस साइड में ये है, ये देखो पूरा बढ़िया लगेगा आपको देखने में इधर। सो गाइस इधर देखो ये रेस्टो का पूरा, इधर ये एरिया पूरा रेस्टो का, इधर जो देख रहे हो स्विमिंग पूल, यहाँ भी आप खा सकते हो बैठ के, चेयर्स वगैरह लगे हुए। मुसाफिर कैफ़े का, मुसाफिर कैफ़े नाम नहीं है, पूरा नाम मैं डाल दूंगा, विंटेज विला ऐसा कुछ नाम है, तो मुसाफिर विंटेज विला ऐसा कुछ। ये देखो बाकी मैं अंदर से दिखाऊंगा। फूड क्वालिटी तो मेरे को लगता है अच्छा ही होगा क्योंकि जैसा इसका नेचर है, नेचर के हिसाब से देखो। सो गाइस ये देखो ये है इनका स्विमिंग पूल वाला एरिया, इधर इधर से रहने के भी घर बना कर रखे हैं अपन। अभी आप चाहो तो पूरा रिजॉर्ट को बुक करो, ये एक तो रिजॉर्ट है एक तरह से, ये है कैफ़े या रेस्टो जो भी बोलो, ये अंदर तक पूरा बैठने का। ये देखो यहाँ से पूरा ग्राउंड, क्या मौसम भी अच्छा गया आज का, इसीलिए बढ़िया है मौसम भी अच्छा, और मौसम में यहाँ आना और बढ़िया बात है। सो गाइस अब जा रहे हैं, थोड़ा लंच कर लें क्योंकि जिसके लिए आए वही नहीं करे तो फिर दिक्कत की बात है। बाकी भी भूख नहीं लगा रही, चलो थोड़ा एक्सप्लोर कर ले, आप लोगों को दिखा दे। एक दिन पर इस वाले रिजॉर्ट में आऊँगा मैं अंदर में रहने के लिए, चिल आउट करने के लिए उधर भी आएंगे और ये वाला पीछे वाला स्विमिंग पूल यूज करेंगे। ये अपना टारगेट है, कुछ दिन में आएंगे और आपको दिखाएंगे ये भी। फिलहाल आज तो लंच के लिए आए हैं तो वो कम्प्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बाकी ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है इस ब्लॉग को क्योंकि बर्थडे यार इन्जॉय कर रहे हैं, पर आप लोग के लिए ब्लॉग भी बना रहे हैं तो फिर जरूर देखना है, ठीक है, और उसके भी कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस मैं आपको यहाँ का प्राइस दिखा दूँ तो समझ में आया। ये देखो ये कुछ प्राइस लिस्ट है, देखो आप स्क्रीन शॉट ले लेना, आपको देखना होता है सब एवरेज वगैरह का। बाकी मैं आपको मेन कोर्स का दिखाऊँ तो ये डेजर्ट का है,
और मेन कोर्स का, ये देखो मेन कोर्स का ऐसा कुछ है इसका, मेन कोर्स वगैरह का। अरे यार, सो गाइस अभी ऑर्डर कर दिए हम लोग, स्टार्टर और मेन कोर्स भी दोनों साथ में ही कर दिए, और वेट कर रहे हैं कब आएगा यहाँ पे हमारा लंच। बाकी यहाँ का देखो ऊपर का भी नज़ारा क्या मस्त है, पीछे का देखोगे तो पूरा हरा भरा लगेगा आपको कि कोई गार्डन में बैठ के आप लंच कर रहे हो, ऐसा कुछ फील आएगा, अच्छा लगता है ऐसे शांति में। और धीरे धीरे म्यूजिक बजे पीछे, पूरा गाना नहीं लगाऊंगा यार क्योंकि उसको कॉपीराइट आ सकता है इसलिए। ऊपर से थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है एकदम, जब मैं आ रहा था आपको बताया कि बारिश हो रहा है, इसके कारण और भी अच्छा लग रहा है, पूरा बारिश हो रहा है एकदम चारों तरफ हरियाली, और बीच में आप लंच कर रहे हो, सोचो इमेजिन करो कितना मस्त लगेगा आपको वो नज़ारे। और इस साइड का पीछे का देखोगे तो ये देखो ये झूला वगैरह है, इस साइड का भी है कोर्स पूरा, इधर भी बैठने का है पीछे, लेकिन मेरे को ये लोकेशन ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ऊपर ओपन है, कांच लगा हुआ है बस, और इधर से भी पूरा पीछे हरियाली है, पूरा छाया हुआ है, ग्रीनरी एकदम सुकून, थोड़ा थोड़ा म्यूजिक है। सामने में वो भैया बैठे हुए हैं जो ऑर्डर ले रहे हैं, तो हमको जो भी खाना होता है तुरंत बोलो तुरंत आ जाता है, उधर से नहीं ऑर्डर करने की जरूरत नहीं। बाकी यहाँ पे एक वो बर्थडे वर्डे सेलिब्रेशन के लिए सारे प्रोग्राम वगैरह कुछ भी सेलिब्रेशन करने के लिए आप आ सकते हो, अच्छा रेस्टोरेंट मेरे को तो अच्छा लगा पर्सनली। जब भी तक भोपाल में जितना भी विजिट किया सारा तो मैं बेस्ट ही दिखाता हूँ आपको, और आपको किसी और रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी चाहिए, आप चाहते हो मैं जाऊँ वहाँ का वीडियो बनाऊँ तब बताना, ये वीडियो भी स्पॉन्सर नहीं है जैसे पहले की तरह, कोई वीडियो स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बाकी कभी न कभी स्पॉन्सर वीडियो भी करेंगे, आता है कुछ वीडियो स्पॉन्सर के लिए, पर आप लोग को मैं वही दिखाता हूँ जो रीजनेबल है जो सही है, और बाकी कुछ है नहीं, होता है तो बताता हूँ। बाकी आप बने रहो चैनल पर, नए तो सब्सक्राइब कर दो यार। हमारा स्टार्टर आ गया और मैं शायद फिनिश भी कर दिया हूँ, ये देखो ये हरा भरा कबाब पास दिखाता हूँ, एक ही बचा अभी, वो भी जल्दी से फिनिश करते हैं। बाकी टेस्ट रीजनेबल बोल सकते हैं, मतलब कोई ज़्यादा ख़राब भी नहीं और ज़्यादा अच्छा भी नहीं, नॉर्मल है, तो रिकॉर्ड कर सकते हो आप उसके लिए भी स्टार्टर वगैरह के लिए आएगा। तो गाइस ख़त्म होंगे काफ़ी थे, और ये मिला हमको मुसाफिर का पान मसाला, कैसा लगा मेरा मजाक? गाइस पान मसाला नहीं है, बहुत फ्रेशनर हो गया था, देखो चलो मिलते हैं आपको बाहर। A few moments later, को मैं इंटरव्यू जैसे दिखाया था ये बुद्धा का, अभी अच्छा लग रहा है काफ़ी, ऐसे बास्केटबॉल क्यों बना के रखा है पता नहीं, खाते खाते थक गया था साला, बास्केटबॉल खेलो इधर ठीक है, लेकिन सिर्फ बना के रखा है चालू नहीं है अभी, ये देखो